फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग सर्कल। इस वीडियो में हम लोग DU BEd एंट्रेंस एग्जाम 2021 में जो होने वाला है उसमें कॉम्प्रिहेंशन पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। कॉम्प्रिहेंशन को हमें किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बोलना चाहती हूँ, जो भी हमारे चैनल पर न्यू है वो लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और कोई भी मेन नोटिफिकेशन आपका स्किप ना हो। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन जो है DU BEd में, उसमें 80 मार्क्स जो होते हैं वो कॉम्प्रिहेंशन के होते हैं। 80 मार्क्स का वेटेज जो है वो कॉम्प्रिहेंशन अपने पास रखता है। कॉम्प्रिहेंशन जो है चार पार्ट में आता है, दो इंग्लिश के पैसेज होते हैं और दो हिंदी के पैसेज होते हैं। हर कॉम्प्रिहेंशन में से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क का है। तो इसलिए पूरा टोटल जो 4 पैसेज हैं आपके, टोटल मार्क्स होंगे वो 80 मार्क्स होंगे। तो 80 मार्क्स बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं, जिसे हम बहुत ही ईजिली स्कोर कर सकते हैं अपने प्रैक्टिस के थ्रू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन को किस तरीके से अटैम्प करना है। एक कॉम्प्रिहेंशन को अटैम्प करने के लिए हमें उसका पहले टाइम पीरियड जो है वो सेट करना है, क्योंकि 4 कॉम्प्रिहेंशन इतने बड़े बड़े कॉम्प्रिहेंशन है, अगर हम अपना टाइम पीरियड नहीं सेट करेंगे तो हम लोग कॉम्प्रिहेंशन में ही फंसे रह जाएंगे और हमारा टाइम फिनिश हो जाएगा। तो हर कॉम्प्रिहेंशन को हमें 7 से 8 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है। पहले के 4 मिनट हमें कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से पढ़ना है, बहुत ही केयरफुली स्टडी करना है, उसके बाद ही हमें क्वेश्चंस अटैम्प करने हैं। पैसेज पढ़ते पढ़ते हमें पैसेज में कॉम्प्रिहेंशन में जो भी मेन मेन टर्म्स हैं, वर्ड्स हैं, उनको ध्यान रखना है, जिससे कि जब हम क्वेश्चन करें तो हमें इजी रहे अपना आंसर ढूंढने में। उसके बाद हम क्वेश्चंस केयरफुली अपना रीड करेंगे। क्वेश्चंस को स्टडी करने के बाद हम अपना आंसर जो है पैसेज में ढूंढेंगे, क्योंकि हमने मेन टर्म्स हमें ध्यान है होंगे पैसेज में, तो हम लोग ईजिली अपना आंसर जो है वो ढूंढ पाएंगे। अगर फिर भी लगता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आप लोगों को क्वेश्चन को दोबारा रीड करना है और क्वेश्चन पे पूरा अटेंशन देके देखना है कि कौन सी ऐसा मेन वर्ड है क्वेश्चन में, या कौन सी ऐसी कोई टर्म है जो हमने पैसेज में पढ़ी है। उसके बाद आपको वो वर्ड या टर्म पैसेज में ढूंढना है, उसके आसपास फिर आप लोग को उसका आंसर जो है वो मिल जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। तो ये बेस्ट वे है एक कॉम्प्रिहेंशन को अटेम्प्ट करने का। इसके साथ साथ आप लोग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करते रहिए। लास्ट ईयर के पेपर में से आप लोग जो है कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को सारे लास्ट ईयर के पेपर्स के लिंक मिल जाएंगे। इसके अलावा अलग से प्लेलिस्ट भी बना हुआ है पूरा, उसमें भी लाइन वाइज आपको सारे लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि दोनों में से दो दो को पैसेज जो है वो आते हैं और बहुत ही स्कोरिंग है। 80 मार्क्स का जो वेटेज है वो बहुत ही मेन पार्ट है DU BEd में। तो यहीं पे इस वीडियो में इतना ही। अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।